अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 7 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे रैम और उसके कौन कौन सी टाइप्स होती है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, रोम और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती है। ओके, तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी यूनिट में जो मेमोरी होती है ये कंप्यूटर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मेमोरी के बगैर कंप्यूटर जो होता है ये यूं समझे कि कंप्यूटर का इतना खास कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आपने स्टोरेज नहीं की, अपने अपने डेटा को स्टोर नहीं किया हुआ, अपने डेटा को अगर स्टोर किया हुआ है तो उसको आप वहां से ओपन नहीं कर सकते, तो फिर कंप्यूटर का इतना खास कोई फायदा नहीं। तो किसी भी चीज मेन आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उनमें अगर मेमोरी नहीं है, स्टोरेज एबिलिटी नहीं है या फिर स्टोरेज आपकी कैपेसिटी कम है तो वो चीज इतनी खास नहीं होती। तो आजकल के लिहाज से तो मेमोरी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे कोई भी किसी भी किस्म की मेमोरी क्यों ना हो। ओके, तो कंप्यूटर जो होता है इसकी जो परफॉर्मेंस होती है ये मेमोरी के साइज के ऊपर डिपेंड करती है कि कंप्यूटर अगर जितना अच्छी उसकी स्पीड कितनी अच्छी है, अगर उसकी स्पीड बहुत अच्छी है तो वो कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो मेमोरी होती है ये मेमोरी आप इसको कहते हैं टेम्पररी मेमोरी जो होती है, इसके ऊपर वो डिपेंड करती है आपकी कंप्यूटर की जो स्पीड होती है। उसके अलावा कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर के लिए, आपने अपना डेटा उसमें सेव रखना है हमेशा, तो उसके लिए आप कंप्यूटर मेमोरी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो विंडो इंस्टॉल करने के लिए भी जो विंडो की फाइल्स कॉपी हो रही होती है वो भी उसके लिए भी मेमोरी आपको जरूर चाहिए होती है। तो नॉर्मल जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है इसकी दो टाइप्स होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी जिसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी जिसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो आज हम प्राइमरी मेमोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेमोरी में मेमोरी यूनिट में जो आपके पास मेमोरी होती है ये होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी और दूसरी होती है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी जिसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में आपके पास रैम आ जाती है, मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी आ जाती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसमें आपके हार्ड डिस्क आ जाती है, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी डिस्क, सीडी या डीवीडी रोम वगैरह आ जाती है। तो आज के लेसन में प्राइमरी मेमोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मेमोरी में जो है सबसे पहले आपके पास रैम आ जाती है। तो प्राइमरी मेमोरी होती है ये मेमोरी जो होती है इसे आप इंटरनल मेमोरी कहते हैं, ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है और इसके लिए जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसमें रैम एंड रोम ये दोनों जो मेमोरी होती है ये कंप्यूटर के पार्ट्स में या कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है ये कंप्यूटर में जो आप जब काम कर रहे होते हैं उसके लिए ये आपको स्पेस प्रोवाइड करती है कंप्यूटर के अंदर, कि आप जब काम कर रहे होते हैं वो काम करते हुए जो डेटा स्टोर हो रहा होता है वो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा होता है डेटा। तो प्राइमरी मेमोरी की भी दो टाइप्स होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, आपको यहां पे नजर आ रही है रैम, इसकी काफी सारी टाइप्स हैं रैम्स की, एसटी रैम आती है, डीडीआर रैम है। जो रैम होती है रैम आपकी रैम जो होती है इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड राइट मेमोरी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होती है वो रैम के जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो रैम के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेव हो रही होती है और रीड हो रही होती है और रैम के अंदर जो इंफॉर्मेशन जितनी भी आप जो काम कर रहे होते हैं वो रैम के अंदर जो सेव होती है आप उसको रीड भी कर सकते हो, उसको राइट भी कर सकते हो। रैम को वोलेटाइल मेमोरी या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो मटीरियल बने मटीरियल जिस मटीरियल से बनती है उसको सेमीकंडक्टर मटीरियल कहते हैं। रैम की जो इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, मीन रैम आपकी टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होती है, डेटे को उस टाइम तक स्टोर रखती है जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है, जो ही सिस्टम ऑफ हो जाता है आपका डेटा इसमें से रैम के अंदर से जितना भी डेटा होता है वो लॉस हो जाता है, मीन सारा डेटा डिलीट हो जाता है।
तो रैम जो होती है ये आपके डेटे को उस टाइम तक सेव रखती है जब तक आपका सिस्टम ऑन होता है। जो ही सिस्टम ऑफ होता है या पावर ऑफ होता है या फिर लाइट चली जाती है, सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो आपकी रैम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा अरेज हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोई काम कर रहे होते हैं, कोई आप मूवी देख रहे होते हैं, या फिर आप कोई एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कोरल ड्रा में या ग्राफिक डिजाइनर में कुछ भी आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपका एकदम से सिस्टम ऑफ हो जाता है। जो ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो आप जब उसे दोबारा ऑन करते हो तो आपको डेटा, आप जो आपने जो कुछ बनाया हुआ होता है, अगर आपने सेव नहीं किया, जब आप सेव करते हो तो वो डेटा हार्ड डिस्क में चला जाता है, जब आप सेव नहीं करते तो डेटा रैम में ही रहता है। तो आपने अगर वो डेटा सेव नहीं किया तो आपने देखा, आप देख के आएंगे कि वो सारा का सारा डेटा अरेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो डेटा उस टाइम जब आप काम कर रहे होते हो, काम करते हुए जो डेटा स्टोर हो रहा होता है वो रैम के अंदर स्टोर हो रहा होता है। तो ये होती है रैम। रैम जितनी अच्छी आपके कंप्यूटर में होगी आपके कंप्यूटर की स्पीड भी उतनी अच्छी होगी। रैम के बाद है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम डेटे को रीड भी करती है, राइट भी करती है, जबकि रोम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डेटे को रीड करती है, राइट नहीं करती। राइट करने के लिए रैम में और भी कुछ टाइप्स हैं। ये आपको रोम नजर आ रहा होगा, ये होता है रोम। बाज लोग डीवीडी रोम कहती है, सीडी रोम को रोम कहते हैं, नहीं वो रोम नहीं होता। रोम जो होता है ये मदरबोर्ड के ऊपर एक स्मॉल सी चिप लगी हुई होती है जिसको आप रोम कहते हैं। तो ये आप नजर आपको आ रहा होगा कि ये होता है रोम। अगर मैं आपको पिक्चर की मदद से ना समझाऊं तो आप लोगों को सही समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी रोम क्या होता है। तो पिक्चर की मदद से आप देख सकते हैं, और दोनों पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देखें ये रोम है, और यही रोम आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है ये रोम। रोम में जो इंफॉर्मेशन होती है इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ आप रीड कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन को राइट नहीं कर सकते। राइट करने के लिए इसकी और भी टाइप्स होती हैं रोम की। इसकी जो रोम की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कभी चेंज नहीं होती, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। और इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है रोम के अंदर, अगर आपका सिस्टम ऑफ भी हो जाए फिर भी इसकी इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती, मीन जाया नहीं होती, इसकी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होती। तो रैम की सॉरी जो रोम की इंफॉर्मेशन होती है वो ना तो आप कभी चेंज कर सकते हो, चेंज करने के लिए इसकी एक और टाइप्स होती है रोम की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें जो डेटा होता है रोम के अंदर वो आपका अरेज नहीं होता, बेशक आपका सिस्टम ऑफ हो जाए। रोम जो होता है ये आपके डेटा को परमानेंट स्टोर करता है, जबकि रैम जो होती है वो टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होती है, और रोम परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। रोम के अंदर जो डेटा आपका सेव हो रहा होता है वो स्मॉल पीसेस के अंदर सेव हो रहा होता है, उन पीसेस को चिप्स कहा जाता है, चिप्स के अंदर ये डेटा सेव हो रहा होता है। और रोम भी जो होता है ये भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, आज सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। रोम की फर्दर टाइप्स है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको प्रोम कहा जाता है। प्रोम का फंक्शन ये होता है कि प्रोम जो होता है ये कंप्यूटर के एक और टाइप्स होती है मेमोरी, ये जो रोम की एक टाइप्स होती है जिसे आप प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो हमने देखा था कि रोम जो होता है, हमने कहा था कि रोम जो होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, मीन आप इसमें से डेटा ना कभी अरेज कर सकते हो ना ही डेटा राइट कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा जो होता है ये रीड कर सकता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए इसकी एक और टाइप्स आ जाती है, एक और चीज इसके लिए बनी है जिसे आप प्रोम कहते हैं। तो प्रोम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर आप डेटे को अरेज भी कर सकते हैं और डेटे को आप मॉडिफाई मीन उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और उसमें उस डेटे को अरेज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रोम डिवाइस चाहिए होगी। तो प्रोम में जो डेटा एक बार आप सेव कर चुके होते हो, मीन आपने एक डेटा डिलीट किया, करने के बाद दोबारा आप उसमें राइटिंग की लिखा, लिखने के बाद आप दोबारा जब चेंज करोगे तो दोबारा चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ एक बार चेंज होता है डेटा। तो प्रोम एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आप डेटे को दोबारा चेंज कर सकते हो और उसको अरेंज भी कर सकते हो और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो।
उसके बाद है अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए प्रॉम्प्ट जो होता है उसमें भी एक काम है कि आपका डेटा अगर सेव हो गया आपने लिख लिया तो दोबारा आप उसको अरेज नहीं कर सकते, मीन उस एक बार सिर्फ आपका डेटा अरेज होगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपका डेटा बार बार आप अरेज करो, करने के बाद दोबारा लिख लो, बार बार मॉडिफिकेशन कर सको, तो उसके लिए आप ई प्रॉम यूज करते हो। ई प्रॉम जो होता है इसे कहते हैं अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि ई प्रॉम होता है। ई प्रॉम डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आप डेटे को बार बार आप उसे अरेज कर सकते हो और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो और उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, तो वो होता है आपका ई प्रॉम। उसके बाद होता है कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी जो होती है ये आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड होती है, आप चाहते हैं कंप्यूटर की स्पीड हाई हो कम हो, तो कंप्यूटर की स्पीड कैशे मेमोरी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कैशे मेमोरी जितनी अच्छी होगी आपकी तो स्पीड इतनी अच्छी होती है कंप्यूटर की। और सीपीयू की जो परफॉर्मेंस होती है वो डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, मतलब कम या ज्यादा जो होती रहती है वो कैशे मेमोरी की वजह से होती है। कैशे मेमोरी एक स्मॉल चिप सी होती है, इसके अंदर एक स्मॉल मेमोरी चिप होती है जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगी होती है, इन दोनों के बीच में लगी होती है और एक कुछ टाइम के लिए एक्सेस होती है, कुछ टाइम पे काम करती है फिर ऑफ हो जाती है, काम करती है ऑफ हो जाती है, तो इसको कैशे मेमोरी कहते हैं। कैशे मेमोरी जो होती है ये रैम के लिहाज से बहुत ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है। कैशे मेमोरी ये डेटा को स्टोर करती है, टेम्पररी स्टोर करती है और फ्रीक्वेंटली भी इसको स्टोर करती है। और ये कैशे मेमोरी जो होती है ये आपके डेटा को या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज होती है, जब जो कि टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होती है, टेम्पररी आपके डेटा को स्टोर करती है। और ये नॉर्मल जो आपकी रोम और रैम जो होते हैं इनसे ज्यादा इसकी स्पीड होती है और बहुत ज्यादा इनसे फास्ट स्पीड होती है इसकी, इस मेमोरी की। ये मेमोरी कैशे जो होती है ये होती भी थोड़ी एक्सपेंसिव है और नॉर्मल जो मेमोरी होती है उससे इसका साइज भी थोड़ा चेंज होता है। कैशे के बाद है रजिस्टर। रजिस्टर जो होते हैं ये भी आपके डेटा को स्टोर करते हैं लेकिन ये बिट में स्टोर करते हैं, मीन एक टाइम में सिर्फ एक बिट को स्टोर करते हैं। और रजिस्टर जो होते हैं आपकी मेमोरी, आपके जो मेमोरी होती है इसको शिफ्ट करते हैं, मेमोरी को मूव करते हैं, इनको शिफ्ट रजिस्टर भी कहा जाता है। तो ये मेमोरी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आप जो यूज करते हैं उसको रजिस्टर कहते हैं। और ये ट्रांसफर करते हैं आपके डेटे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, इसको आप रजिस्टर कहते हैं। कहते हैं द सीपीयू प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विद हाई स्पीड। सीपीयू जो होता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को हाई स्पीड क्या करता है, मूव करता है। There is also movement of the data between various unit of computer. Computer की different units में आपका data क्या होता है, move हो रहा होता है। It is necessary to transfer the processed data with high speed so the computer use a number of special memory units called register. तो इस data को जो use data को जो move करने के लिए जो चीज use की जाती है उसको कहते हैं आप register कहते हैं, इनको shift register भी कहा जाता है। They are not part of main memory. ये main memory के part नहीं है, but the stored data of information are passes it on in direct on a control unit. ये direct control unit में चले जाते हैं इसके, इसमें जो भी data होता है वो control unit में चले जाता है और इसको move करने के लिए use होता है, आपके data को move करने के लिए register use होता है। कहते हैं register, cache memory, main, आपकी जो टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस में रैम रोम आ गया, एप रोम आ गया, प्रोम आ गया, तो इनके ऊपर हमने कंप्लीट डिस्कस किया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।